और ये हमारी प्यारी सी गोवा था। तो ये रहे खेत, यहाँ पे तैयार हो गया सारे फोटो खिंचवाने के लिए। तो गाइस ये रहा हमारा खूबसूरत मंदिर। राम राम दोस्तों। तो आज का प्लान कुछ इस तरह से है कि आज जा रहे हैं हम अपने मासु देवता के मंदिर, क्योंकि नए साल में ना भगवान के आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी है। तो चलते हैं फिर भगवान के दर्शन करने के लिए। तो चलो फिर मेरे साथ बिना देरी करे हुए। और यहाँ पे रमिया भी तैयार हो रखी और हमारी सोन पापड़ी। सोना को हम यही छोड़ेंगे क्योंकि इसे नहीं ले जा सकते, तेरे को उल्टी हो जाएगी ना, इसलिए तेरे को नहीं ले जा सकते। ठीक है, तू यही रहना, ठीक है ना? नहीं 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 मत आ यार, नहीं 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 मत आ, ठीक है? आप और यू भाई यहीं रहना, ठीक है? क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए? ओ सरवारी। तो चलो गाइस निकलते हैं फटाफट से। अरे नहीं, तेरे को बाद में लेके जाएंगे, बाद में लेके जाएंगे तेरे को, ठीक है? तो चलो गाइस। ये देख रहा है, हाथ दी छोड़ दी, देखे देखो कैसे पकड़ रही, गुस्सा आ रहा उसको। गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तू कहाँ जा रहा है बिंदी लगा के? कहाँ जा रहा? बिंदी तो लगा रही है, शीशे शीशे में देख के। आप इतना टाइम कौन लगाता भाई है? तुम तो ऐसे भागते हैं जैसे। हाँ बताए, फिर लेट हो जाएगी हमें ऊपर। तो चलो गाइस चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। पूरा वहाँ पे एक गाँव, और अभी देखो कहाँ जा रखी, सरसों के खेत पे, और हमारी प्यारी पहाड़ी मम्मी। मेरे तो नाक ही बंद होगी यहाँ पे इतने ऊपर आके। आपकी भी होगी मम्मी? बहुत ठंड है भाई इधर। चलो तो अभी यहाँ पे सरसों के खेत में इनके दो तीन फोटोज क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आगे को चलता है। यार कितना प्यारा लग रहा है ये देखो। गोली वहां खड़ा होगा, गोली कह रहा मैं नहीं आता भाई, बहुत ठंडा है सच्ची में। सूरज हो रहा ऊपर, बट सूरज की अभी गर्मी ना के बराबर है। तो ये रहे खेत, यहाँ पे तैयार हो गया सारे फोटो खिंचवाने के लिए। अभी ना पहले ही खड़ी हो रही है सरसों के खेत में। यहाँ कितने खूबसूरत लग रहा ना ये सही में, देखो यहाँ पे पापा मम्मी का फोकस चल रहा फोटो खिंचाने में। वो उधर चकराता है ऊपर, इसमें पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, बट यहाँ से साफ बिल्डिंग दिख रही आपको। वहाँ पर उस पहाड़ी पे जाके चाइना बॉर्डर भी दिख जाएगा, उस वहाँ पे चाइना है। अब इसकी रील्स बनेगी, बोल लो ऐसा कुछ बताओ। अभी अभी तैयार हो गया, बताओ रील्स ही बनाने के लिए आ रखे हम यहाँ पे। और अभी मतलब कुछ दिनों में ना ये पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हो जाएगा। और ये नीचे आपको जो खेत दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे यहाँ पे आज भी क्या कहते हैं ना, बैलों से इस पर हल चलाया जाता है, कोई ट्रैक्टर नहीं होता अभी भी यहाँ। और ये इधर पूरे इस पर पहाड़ी गाँव। तो भाई हो गया मम्मी और के फोटोज यहाँ पे, कैसा लगा मम्मी आपको फोटो खींचा के? बहुत अच्छा। सामने से पहाड़ी गाड़ी आ रही, मतलब यहाँ पे ना ठंड ऐसी चल रही ना, आपके नाक कान सब बंद हो रखे। तो चलो अब मंदिर चलते हैं। और ये हमारा, ये देखो पहाड़ी ड्रेस पहन के संभाली भी नहीं जा रही ना, वो तो अच्छा मम्मा नहीं पहन गया घाघरा। तो चलो अब चलते हैं सीधा फटाफट से मंदिर, फिर मिलते हैं आपको मंदिर में। अब तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट मंदिर, और यहाँ से ना मेरे को गाड़ियाँ बहुत सारी दिख रही है, लगता है बहुत सारे श्रद्धालु आ रखे। हाँ यार सही में बहुत सारे आ रखे, देखो कितनी सारी भीड़ है, बाप रे बहुत भीड़ है यार ये तो। चलो भाई पहुँच गए, अब चलते हैं अंदर। तो चलो अब ले लेते हैं यहाँ से प्रसाद, और यहाँ से जो आप प्रसाद लेते हो ना, मतलब जो आप उसके पैसे देते हो, वो सारे के सारे ना भंडारे में यूज़ करे जाते हैं, मतलब उसका भंडारा दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है एक भक्तों के लिए। तो वो राम मंदिर महाराज जी का, तो भाई अब कर लेते पहले हम दर्शन, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो मेरे और गोली के दर्शन तो हो गए, और मम्मी और पापा कर रहे हैं अभी। और भीड़ देखो गाइस कितनी है यहाँ पे, बहुत भीड़ आ रखी है आज। और इसको देखो जरा कैसे खड़ा हो रखा है ये।
तो हमारे हो गए दर्शन। अब नजारा देखो यार, मतलब सारे पहाड़ ना आपको नीचे की तरफ दिखेंगे, कितना खूबसूरत है। तो वहाँ पे भंडारा बैठता है, तो अब चलते हैं भंडारा खाने के लिए। और इसकी मस्ती देखो नीचे वहाँ पे, वो भाई उसे बार बार ऊपर लेके आता है और ये बार बार वापसी नीचे भाग जाता है। और मम्मा यहाँ पे क्या कहते हैं चुन्नी बांध रही, जो अंदर से पंडित जी ने दी है, उन दोनों का फोटो शूट चल रहा। तो चलो अब चलते हैं भंडारा खाने के लिए, भूख बहुत लग रही क्योंकि मुझे। तो अभी आगे हम भंडारा खा के, और यहाँ पे देखो यार कितने सारे ढोल है। क्यों मुझे वो रील्स बनानी है। बस ढोल बजा रहा फिर मैं तेरे लिए, देखना कहीं मारने ना पड़े वो। तो ये है भाई गांव वालों के बैल। ओए ऊपर देख, तो ये हमारी प्यारी सी गौ माता। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और ये पहाड़ी गुत्तू इसके अंदर ना चूड़ा वगैरह बनाते हैं, हमेशा खेलते थे बचपन में। देख रहे हो यहाँ से कितने पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। बस भाई अब कितने फोटो खींचे दे रहे, इसके फोटो ही खत्म नहीं होते। चुप। चलो गाइस दर्शन भी हो गए, हम निकलते घर के लिए। और ये अभी भी फोटो खिंचाने में तुले हुए, ये हमारा प्रसाद। तो चलो अब चलते सीधा घर, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो भाई अब बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई सच्ची में यहाँ पे ना ठंड बहुत है। कपड़े पहन के आओ अगर कभी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आप आओ ना। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अब घर पे, और सुना अगले देखो मैं क्या लेके आया, उसकी फेवरेट नमकीन। प्रसाद भी लेके आया, प्रसाद तो उसने खा भी लिया। हाँ क्या कह रहे हो। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, सोना को तो कुछ बोलना नहीं, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग और हमारा मंदिर बहुत अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय, सी यू।